आज मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजन प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग जो आता है डायग्राम, तो उसका आसान मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, इजी मेथड। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ हम ले लेते हैं, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। तो इसका इजी डायग्राम कैसे बनाना है आपको, सिंपली इसके ऊपर एक ट्रेपीजियम बनाइए। तो बोर्ड में भी पेपर में भी अगर आए तो सिंपली एक ट्रेपीजियम आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और फिर ये वाली लाइन इसको लाइट कर दीजिए या बिल्कुल रब कर दीजिए। अब ट्रेपीजियम के एक तरह से डायगोनल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये 90 डिग्री होनी चाहिए एंगल दोनों के दोनों। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रे का काम करेंगे। फिर इसे पीछे बढ़ा दो, फिर ऐसे ये इसके पैरेलल या इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ऐसे ही एक पीछे की तरफ तो पैरेलल रे बढ़ा दीजिए, ये रे आ रही है। और सेम यहाँ पे भी, अब जैसे ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इसको इधर आगे ले एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, ये रे बन गई। और सेम यहाँ पे भी इस पॉइंट पे 90 डिग्री या इसके पैरेलल आगे बढ़ा दो। अब एक बीच से रे लेंगे हम वो यहाँ पे, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो वैसे तो बिल्कुल, लेकिन बीच से आपकी बुक में ले रखा है इसी तरह आप लीजिए। और फिर यहाँ से बीच से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, जैसे यहाँ बन रहा है इसके ऊपर भी 90 डिग्री एंगल, ये देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रेज, अगर रेज की हम बात करें, ये रिफ्लेक्टेड रेज, और ये सभी यहाँ नॉर्मल हो गया, यहाँ नॉर्मल हो गया, यहाँ नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम बहुत आसानी से बन गया है, हाइजन थ्योरी वाला डायग्राम। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट एक सरफेस है, जैसे मेरा हाथ है ये, ऐसे प्लेन मिरर भी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यानी इस बोर्ड के ऊपर वर्टिकली प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये वर्टिकल प्लेन आ रहा है। तो बोर्ड, ये आपका जो प्लेन मिरर और ये वेव फ्रंट दोनों इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। तो जब हम रे की बात करते थे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था आपका, जो आपका ये नॉर्मल एक रे की तरह कंसीडर कर सकते हैं हम, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो उसमें रे देखी जाती थी। लेकिन इस समय हमारे पास वेव फ्रंट एक सरफेस है, तो अब हम सरफेस देखेंगे। तो सरफेस और सरफेस के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहाँ एंगल आर होता था, सेम आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, एंगल आई, एंगल आर, जो कि रे की टर्म में है। लेकिन ये अगर सरफेस के साथ आपने लिया है, मिरर का सरफेस, वेव फ्रंट का सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी प्रकार यहाँ भी मिरर का सरफेस और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसका सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका बहुत आसान डायग्राम, देखो कितना अच्छा हमने ड्रॉ कर दिया है सिंपल एक ट्रेपीजियम का प्रयोग करके। अब आप देखिए, अब मैं अगर बात करूं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन की, तो हमारे पास दो मीडियम हो गए, वाटर, एयर। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो इसके ऊपर 90 डिग्री पे ये आपकी रे होगी। अब आपको पता है ये पार्ट पहले यहाँ पे एंटर करेगा इस मीडियम के अंदर। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे भी हम रे माने तो रे ऑप्टिक्स ही लगाइए आप सिंपली। ये एंगल आई तो ये नॉर्मल, तो सीधी सी बात है 2/8 द नॉर्मल मुड़ेगी ये, और ये एंगल आपका हो जाएगा आर, ठीक है, केवल अगर रे ऑप्टिक्स को हम देखें। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये वेव फ्रंट है और ये रे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब अगर ये रे है, अगर हम रे ऑप्टिक्स फॉलो करें, अगर ये रे है तो यहाँ पर भी वेव फ्रंट बनना चाहिए, नया वेव फ्रंट, और वो नया वेव फ्रंट इसके साथ 90 डिग्री पे बनना चाहिए। तो कुछ अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री वेव फ्रंट। अब इस जगह पे भी हम बात करें तो ये वही सेम एंगल आई, ये आपका नॉर्मल, तो इसके पैरेलल यहाँ पे रे आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए इस तरह से, इसके पैरेलल, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है।
और अब जैसे यहाँ ये वेव फ्रंट पड़ा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आप ड्रॉ कीजिए, ठीक, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, और ये दोनों आपस में मीट कर गए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब ये हमारा नया वेव फ्रंट है जो कि पानी के अंदर होगा, नए मीडियम के अंदर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार, तो अगर हम इनको वेव फ्रंट का ऐसे जोड़ते जाएँ तो हल्का हल्का ऐसे बेंडिंग से होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे आ रही है। ये देखिए वेव फ्रंट अगर आगे हम बढ़ाएं इसको तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री इसके साथ, तो आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ ले आऊँ और फिर ये आपस में पैरेलल, तो यहाँ पे इस तरह से इंच के पैरेलल यहाँ बनती जाएगी और ये 90 डिग्री, तो ये नए वेव फ्रंट पैदा होते जा रहे हैं, और ऐसे होते होते यहाँ पर ये पूरा एक नया वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन आता है डेंसर टू रेयरर का, आप रिफ्रैक्शन दिखाइए, तो सेम बिल्कुल सोचिए, यहाँ पे आपने एक मिरर रख दिया 90 डिग्री पे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा और ये डायग्राम बन जाएगा। मतलब फिर आप रे डेंसर से दिखा दीजिए आते हुए और रेयरर में जाएगी, तो रेयरर से जब आता है तो वेव फ्रंट का साइड छोटा होता है, डेंसर में जाने पर बड़ा होता है। ऐसे उल्टा हो जाएगा, अगर डेंसर से रे आएगी तो वे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जिसके कारण वेव फ्रंट का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो रेयर में वेव फ्रंट का साइज छोटा रहेगा, डेंसर में वेव फ्रंट का साइज बड़ा रहेगा। ओके, समझ गए हो आप।